क्या आपने खीरा का कभी स्टफ पराठा यानी भरवा पराठा बना के खाया है? नहीं ना, आज मैं वही रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग को ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि खीरा हमारे सेहत के लिए कितना ही लाभदायक है। तो मैं यहाँ पे 3 मीडियम साइज का खीरा ले रही हूँ और इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से रगड़ रगड़ के साफ कर दिया था ताकि ऊपर जो मिट्टी लगा होगा वो हट जाएगा। फिर इसके दोनों तरफ से किनारे काट के हटा लेंगे। फ्रेंड्स, खीरा का पराठा एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी बनती है। इसके बाद आप रायता और चटनी सलाद खाना भूल जाएंगे। अब एक बड़े साइज के एक बाउल लेंगे या फिर एक बड़े थाली लेंगे और उसमें खीरा को छिलका सहित ही कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पे छिलका के साथ कद्दूकस करना बहुत जरूरी है, इससे हमारे खीरा के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो सभी हम ही को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तीनों खीरों को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और उसे एक छन्नी में या फिर किसी सूती कपड़े में डाल के इसके अच्छे से पूरे पानी निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे पानी निचोड़ना बिल्कुल जरूरी है। अब जो इसका पानी बचा हुआ है उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम यूज करेंगे, तो इसे तब तक साइड रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसे कपड़े में या छन्नी में निचोड़ करके इसे अलग कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे, 1 बड़ी चम्मच सरसों तेल गरम करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग डालेंगे और 2 मीडियम साइज के प्याज को लंबे साइज में काट करके इसे डालेंगे। धीमी आंच पर ही इसे 4 से 5 मिनट भूनेंगे। तो 4 से 5 मिनट भूनने पर यह हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें इसे न ब्राउन ज़्यादा करना है और न ही ज़्यादा इसे गलाना है, बस हल्का सा ये इसे सॉफ्ट करना है। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा इसमें हम 1 मीडियम साइज के टमाटर को भी काट के डालेंगे और उसे डालने के बाद धीमी आँच पर ही 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद जो हमने खीरा को कद्दूकस करके रखा था उसे डालेंगे। तो यहाँ पे इसका पानी हमने अच्छे से निचोड़ दिया है, तो अब इसे डालेंगे और इसे डाल करके आंच को मीडियम आंच पे कर देंगे और फिर इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, खीरा से ये पराठा आप जरूर ट्राई करना। आपके बच्चे भी जो खीरा नहीं खाना पसंद करते हैं वो भी मांग मांग के ये पराठा खाएंगे। तो अब 4 से 5 मिनट हमने खीरा और प्याज टमाटर को अच्छे से भून दिया है। अब इसी में हम 3 चम्मच भुना हुआ बेसन डालेंगे। तो बेसन को मैं पहले से ही हल्का सा कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके रख लिया था, तो यहाँ पे बेसन को पहले से भून के रखना जरूरी है, नहीं तो उसका कच्चापन आएगा। तो बेसन डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से भूनेंगे और फिर इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो हम यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे, साथ ही 1/4 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच हम यहाँ पे अमचूर का पाउडर डालेंगे। तो अमचूर के पाउडर जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मसाला डालने के बाद इसे धीमी आंच पे ही 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर फ्रेंड्स, जो हमने खीरा का पानी बचा के रखा था, अब उसी में 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे, साथ ही 1 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अब इसे अच्छे से पहले मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम जैसे रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं बस उसी तरह से आटा तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे और इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर से हम आटा को देखेंगे और फिर उसे 1 से 2 मिनट के लिए और उसे अच्छे से फिर गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं इसे एक पराठा तैयार करती हूँ। यहाँ पे एक बड़े साइज की लोई लेंगे और उस पर हल्का सा डस्ट लगाकर चकला पे जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ठीक उसी तरह से बेलना है, बस एक साइज बड़ा हो जाएगा। अब इस तरह से हम बड़े साइज की एक रोटी तैयार करेंगे और जो हमने खीरा का ये मसाला भून के जो रखा है उसे डालेंगे। तो यहाँ पे ये खीरा 1 से 1.5 चम्मच के करीब डालेंगे और उसे अच्छे से बीच में फैला लेंगे।
अब रोटी के चारों हिस्सों को फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर उसके अपोजिट साइड को उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, फिर जो हमारा हिस्सा दोनों साइड का बच गया उसे एक एक करके फोल्ड करेंगे और किनारों से हल्का हल्का दबा देंगे जिससे कि ये बेलने के समय न फटे। फिर इस पर हल्का सा आटा डालेंगे और इसे हाथ से ही हल्का सा टैप करते हुए फैलाएँगे। तो यहाँ पर हाथ से ही फैलाना है, थोड़ा सा नहीं तो फट जाएगा। फिर हल्का सा हाथ से फैलाने के बाद हल्की हाथ से यहाँ पे बेलन चलाएंगे और जिस साइड से हमने रोटी को फोल्ड किया उस साइड से ही हमें बेलना है, यानी पीछे की साइड से हमें नहीं बेलना है, हमने जिस साइड रोटी को फोल्ड किया था उस साइड से ही बेलना है। इसी तरह से हम सभी पराठा तैयार करके पहले रख लेंगे। अब एक तवा को गर्म करेंगे और उस पर घी या फिर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे या फिर आप बटर में भी बना सकते हैं। फिर उससे डाल करके हम दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। तो हल्का सा इस पे घी या फिर रिफाइंड या फिर आप बटर लगाएंगे और इसे दोनों तरफ से करारा होने तक सेकेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा खीरा का पराठा तैयार हो गया। तो खीरा का रायता तो हम हमेशा खाते हैं, सलाद भी खाते हैं, चटनियाँ भी उसकी बना के खाते हैं, कभी हमने पराठा ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसके बाद आप रायता और सलाद खाना भूल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स स्टफ करने के बाद भी कितना अच्छा से ये हमारा पराठा फूल गया है और कितना सुंदर ये दिख रहा है। तो आप इस तरह से बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपने मेहमान को खिलाइए, सभी आपकी तारीफ़ करते ही नहीं थकेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए भी एक यूनिक रेसिपी है और देखा ना कितना आसान तरीका है ये बनाना। मैं इसे तोड़ के भी आप सभी को दिखा रही हूँ, ये कितना अंदर से भी सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करना, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।